हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टिक्सार्ज यूट्यूब चैनल। हियर वी शेयर फाइनेंशियल, लीगल एंड सिक्योरिटीयल अपडेट थ्रू आर वीडियोस। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में भी हम बात करेंगे आज AIS की, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू 26AS, बट ये सिमिलर है 26AS के ही, बस इसका आप कह सकते हो एक डिटेल्ड वर्जन है। तो आज हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है 26AS में और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें अलग आती है या अलग डिटेल्ड होती है। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो टैक्स पेयर है उसको अपने ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन रहे, वो अपने ट्रांजेक्शन चेक कर सके कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन से उसके फाइनेंशियल्स रहे हैं जो टैक्सेबल हो सकते हैं, जिस पे उसकी टैक्स एप्लीकेबिलिटी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप खुद ही अपना चीज़ें चेक कर सकते हो। पहले 26AS में क्या था, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स आपको शो होते थे, लेकिन AIS में ऑलमोस्ट जितने भी आपके टैक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिस पे टैक्स एप्लीकेबिलिटी होती है वो सारा आपका यहाँ पर शो होता है। तो टैक्स पेयर खुद ही अपना चेक करके उसको पता लग जाता है कि मेरे को फाइल करनी है रिटर्न। तो एक तरह से ये वॉलेंट्री कंप्लायंस को प्रमोट करता है कि टैक्स पेयर खुद ही अपनी डिटेल्स चेक करके अपनी ITR रिटर्न फाइल करे रेलेवेंट ईयर के लिए। उसके अलावा नॉन कंप्लायंस अवॉइड करने के लिए, जब आपको पता चल जाता है कि आप कितने सारे ट्रांजेक्शन है जिस पे टैक्स एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप स्टिल फाइल नहीं करते तो आपको पता है यहाँ से चेक करके अगर आपने नहीं फाइल करे तो नोटिस आपके पास आना ही है। तो इट अवॉइड्स नॉन कंप्लायंस ऑफ ITR, एंड प्लस इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे जिसके लिए AIS गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हम बात करेंगे 26AS और AIS, ये बेसिकली दोनों इनका पर्पस सेम है कि आपका टैक्स जहाँ पर भी डिडक्ट हुआ है या टैक्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपके यहाँ पे शो करते हैं टैक्स पेयर के। बट स्टिल इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है 26AS में। जैसे तो 26AS में बेसिकली आपकी कुछ डिटेल्स शो होती हैं, जैसे कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, TDS, TCS ट्रांजेक्शन, जिन भी ट्रांजेक्शन्स पे आपका TDS, TCS कलेक्ट या डिडक्ट हुआ है वो ट्रांजेक्शन आपके 26AS में आते हैं, और आपकी अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है और प्लस में GST टर्नओवर की डिटेल्स आपकी 26AS में आती है। तो 26AS में मेनली ये चार डिटेल्स आती है, जबकि अगर हम बात करें AIS की तो AIS में बहुत सारी डिटेल्स है जो एडिशनल ऐड हुई है इन सब के अलावा। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपका AIS में भी आता है, TDS, TCS आपकी यहाँ पे शो होती है, प्रॉपर्टी परचेज सेल की आपकी यहाँ पे आती है, आपका यहाँ पे जितना भी कैपिटल गेन वाले ट्रांजेक्शन होते हैं सिक्योरिटी वाले वो यहाँ पे शो होते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट आया है, ये सारी डिटेल्स आपकी AIS में होती है। और ये भी आपका ट्रांजेक्शन वाइज होता है कैपिटल गेन में कि आपका ये लॉन्ग टर्म है या नहीं है, शॉर्ट टर्म है या फिर कितना कौन सा स्टॉक है, कितने में आपने बेचा है, ये सारी इसकी ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल्स में सारी होती है AIS में। इसमें बस GST टर्नओवर वाली जो डिटेल अगर आपको चेक करनी है तो वो आपको AIS में नहीं मिलेगी, वो आपको 26AS में ही मिलेगी। उसके अलावा 26AS में जितनी भी डिटेल्स होती है वो बेसिकली आपकी सारी AIS में होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिपॉजिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो भी है वो सारी डिटेल आपकी AIS में आती है। तो ये तो डिफरेंस था कि AIS में 26AS से क्या अलग अलग डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। इसका हम एक बार पार्ट वाइज देखेंगे क्या क्या हेड अवेलेबल होते हैं और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो AIS में आपके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए
जिसमें कि टैक्स पेयर की डिटेल्स होती है, एंड पार्ट बी जिसमें आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल्स होती है। पार्ट ए में आपका टैक्स पेयर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मास्ट आधार नंबर यानी कि ये लास्ट के 4 डिजिट होंगे, और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपकी पार्ट ए में होती है। पार्ट बी में फिर आपकी ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल्स आती हैं, जैसे TDS TCS की आएगी आपकी, उसके बाद आएगी आपकी डिमांड एंड रिफंड कि आपका इनकम टैक्स में डिमांड अगर कोई ईयर में है या रिफंड आपको रिसीव हुआ है तो वो डिटेल्स यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपका SFT ट्रांजेक्शन की डिटेल होंगी यहाँ पे, देन आपका अदर इन्फॉर्मेशन होगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपकी बाकी सारी डिटेल्स आएंगी, जैसे एनेक्स टू द सैलरी कि किस किस कंपनी या फर्म से आपको सैलरी रिसीव हुई है, प्लस में आपका कैपिटल गेन वाली ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी यहाँ पे रहेगी, और फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन करेंसी में आपने कुछ डील किया है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी अदर इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जैसे 26 AS में ये नहीं था कि ये ट्रांजेक्शन अगर आपको गलत लगती है तो आप वहाँ पे फीडबैक सबमिट कर पाओ कि ये ट्रांजेक्शन गलत है, लेकिन AIS में क्या है, गवर्नमेंट ने एक फीडबैक का भी ऑप्शन दिया, अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स जो है ये गलत है या आधी अधूरी है तो वहाँ पे जाके आप उसको फीडबैक सबमिट कर सकते हो। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आप AIS को एक्सेस कहाँ से करते हैं। ये बेसिकली टैक्स पेयर का जो इनकम टैक्स का पोर्टल होता है, आपको वहीं से लॉग इन करके AIS को एक्सेस करना होता है। टू ब्रीफ, हम लोग अभी ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे कौन से ऑप्शन पर जाके आपको AIS खुलना होता है या आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो है स्टेप्स टू ओपन AIS या डाउनलोड करने के, तो सबसे पहले आप लॉगिन करोगे अपने IT पोर्टल में, देन आप एक सर्विस टैब देखोगे। सर्विस टैब में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा AIS, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे पोर्टल पे चले जाओगे, उसको कंप्लायंस पोर्टल बोलते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे AIS TIS दो ऑप्शन दिखेंगे, तो आप AIS पे अगर यहाँ पे आपके फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपको AIS एक्सेस करना है या देखना है, आप यहाँ पे वो चूज़ करके AIS पे क्लिक करोगे तो आपका AIS जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके साइड में आपका ऐसा कुछ बटन रहेगा डाउनलोड का, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो ये PDF फॉर्म में आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक पासवर्ड होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड विच इज़ PAN इन स्मॉल केस, और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये PAN होता है, अगर आप PDF फॉर्म में उसको डाउनलोड करते हो तो फिर आपका AIS जो है वो ओपन हो जाएगा और आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन AIS में गलत लग रही है या कुछ मिसिंग है उसमें, तो आप फीडबैक कैसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको AIS में फीडबैक सबमिट करना है तो जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, आप उसको AIS को एक्सेस करेंगे, वहाँ पे फिर आपकी डिटेल्स शो कर जाएंगी। अगर आप जैसे आपको कोई भी डिटेल अगर खोलनी है TDS TCS वाली, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे डिटेल्स शो कर जाएंगे। उसके बाद जैसे अगर आपका किसी पार्टी से अगर 192 में आपका मान लो TCS हो गया है, किसी से भी आपका सैलरी दिखा रहा है, फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो सारा आपका ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल आ जाएंगे, जिसमें आपका मंथ वाइज डिटेल आ जाएंगी। अगर आपको वहाँ पे किसी भी मंथ में जाके अगर फीडबैक सबमिट करना है तो वहाँ पे आपके साइड में ऑप्शनल फीडबैक करके ऑप्शन रहेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू सम अदर ईयर, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट टैक्सेबल, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग या डिनाइड इन्फॉर्मेशन। उसमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप चूज़ करके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, तो आपका फीडबैक जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था कि आप फीडबैक कैसे सबमिट कर सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है, 26 AS और AIS में जो TDS TCS डिटेल्स होती है वो सेम पोर्टल से आती है तो वो हमेशा सेम रहेंगी, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि AIS में जो डिटेल्स आ रही है वो 26 AS से ना मैच करे, तो उस केस में आपको 26 AS से जो डिटेल्स है वही आपको लेके रिटर्न फाइल करनी है। तो ये था हमारा AIS का वीडियो, जिसमें हमने सारा डिस्कस किया AIS क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे आप इसको
चेक कर सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो कैसे फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ व्हाट इज़ AIS, बिकॉज इट्स बेसिकली अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।